बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने 7 जुलाई सुबह 7:30 बजे दुनिया को अलविदा कह दिया। 98 साल के दिलीप कुमार अपने पीछे करोड़ों लोगों का प्यार और पत्नी सायरा बानो छोड़ गए, लेकिन आज भी उनके फैंस के साथ हैं उनसे जुड़े ऐसे किस्से जो दिलचस्प हैं और जिस हिम्मत के साथ वो इन तमाम कठिनाइयों के साथ खड़े रहे, वो पर्सनल लाइफ में कितने मजबूत थे वो दिखाता है। यही वजह है कि दिलीप कुमार को सुपुर्द खाक करने से पहले कई जानी मानी हस्तियां उनके आखिरी दर्शन करने के लिए पहुंची। वैसे तो दिलीप कुमार से जुड़े कई किस्से हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बार उन्हें पाकिस्तानी जासूस समझा गया और कैसे संसद को दिलीप कुमार का बचाव करना पड़ा। 1922 में पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे यूसुफ खान 1940 के दशक में अपनी पहली फिल्म के साथ ही दिलीप कुमार हो गए। दिलीप कुमार का देश की आजादी के समय पर झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा। शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के साथ भी दिलीप कुमार के संबंध बहुत अच्छे थे। 1998-99 में एक बार बहुत तल्खी के सिवाय दोनों के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे। दरअसल 98-99 का वो दौर था जब पाकिस्तान सरकार ने दिलीप कुमार को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज देने का ऐलान किया था। दिलीप कुमार को सबसे ज्यादा चोट इस बात की पहुंची कि कार्टूनिस्ट से राजनीति में आने वाले 3 दशक पुराने उनके दोस्त ने उनकी निष्ठा और देशभक्ति पर सवाल उठा दिए। इस बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा था। दिलीप कुमार ने उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इस बारे में सलाह मांगी थी कि उन्हें यह अवार्ड लेना चाहिए या नहीं। इस पर वाजपेयी ने कहा था कि बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि वो कलाकार हैं, कलाकार राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे होता है। लेकिन इस घटना से तकरीबन 3 दशक पहले यानी कि 60 के दशक में दिलीप कुमार पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक जताया गया था। हुआ कुछ ऐसा था कि कोलकाता पुलिस ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया था। उसकी डायरी में दिलीप कुमार समेत कुछ बहुत बड़े लोगों के नाम शामिल थे। मामले की तफ्तीश में कोलकाता पुलिस ने सोचा कि दिलीप कुमार का संबंध उस जासूस से है और उनके घर पर छापा डाल दिया गया। हालांकि दिलीप कुमार के घर से ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दरअसल ये जासूस दिलीप कुमार की कंपनी सिटीजन फिल्म्स के प्रोडक्शन विभाग का एक कर्मचारी था, जो पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है वहां का था। दिलीप कुमार ने इस जासूस को असहाय आदमी समझकर अपने प्रोडक्शन हाउस में रख लिया था। छापेमारी में सरकार को दिलीप कुमार के घर से कोई संदेहास्पद चीज नहीं मिली जिससे उन्हें आरोपी माना जा सके। सरकार ने तो अपनी कार्यवाही कर ली, लेकिन इस घटना से दिलीप साहब बेहद आहत हुए। उन्हें यकीन हो गया कि मुसलमान होने के कारण उन पर जासूस होने का शक जताया गया। इस मामले में नेहरू जी के जीवन काल में भी सरकार ने संसद में बयान देकर स्पष्ट किया था कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से दिलीप कुमार का कोई संबंध नहीं है। लेकिन छापेमारी के बाद दिलीप कुमार के बारे में बहुत सी अफवाहें चलने लगी। अफवाहों में यहाँ तक कहा जाने लगा कि दिलीप कुमार के घर के फर्श के नीचे से रेडियो ट्रांसमीटर बरामद हुआ है और वो फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तान के मुसलमान जासूसों के सरगना है। हालांकि ये तमाम अफवाहें झूठ के सिवाय और कुछ नहीं थी। दिलीप कुमार हमेशा भारत के सपोर्टर रहे और कई मौकों पर पाकिस्तान की तीखी आलोचना करते रहे। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई ने दिलीप कुमार पर एक किताब लिखी है। अपनी किताब में वो लिखते हैं कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद वाजपेयी ने फरमाया था कि वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ किसी से बात करें। इस पर वाजपेयी ने अपने बगल में बैठे दिलीप कुमार से नवाज शरीफ की बात कराई। अटल ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो उनके साथ बैठकर नवाज शरीफ से बात करें और दोनों देशों के बीच उपजे तनाव और शत्रुतापूर्ण माहौल को खत्म करने की कोशिश करें। दिलीप कुमार ने नवाज शरीफ से फोन पर कहा, मियां साहब, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने की वकालत किया करते थे। मैं आपको बतौर एक हिंदुस्तानी मुसलमान बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव होने पर हिंदुस्तानी मुसलमानों की स्थिति जोखिम भरी हो जाती है और उन्हें घर से बाहर निकलने तक में मुश्किल होती है। इस स्थिति को संभालने के लिए प्लीज कुछ कीजिए।